अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने ट्राउज़र के पांचे पर पिनटक्स डाल लिए हैं। पिनटक्स मैंने 0.5 इंच के दरमियान डाले हैं। लेंथ हमने ली है 7 इंचेस। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम कट करेंगे। ये मैंने बुकरम लिया है। बुकरम की विड्थ मैंने ली है 5 इंच, लेंथ मैंने ली है 8 इंच। ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरफ से भी सेम उसी तरह 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब स्केल से ऐसे बॉक्स बनाएंगे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे। एक लाइन बाहर से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम अपना पांचा लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, दरमियान में ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे नोचिस लगाएंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे, दरमियान में ऐसे थोड़ा सा निशान लगाना है। थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ रखना है। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे घुमाएंगे, सेम उसी तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। कॉर्नर पर ऐसे नोचिस लगाएंगे। अब इसे सीधा करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसे ऐसे सीधा करके इसे प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया है, इसकी तुरपाई मैंने कर ली है। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए दरमियान से निकाला था। इसको ऐसे रखेंगे। अब इसके ऊपर मार्क करेंगे। अब इस साइड से मार्क करेंगे। अब ये ऐसे लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये मैंने पट्टी ली है, इसे मैंने 1 इंच चौड़ा लिया है। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये हम पट्टी 3 इंच की कट करेंगे। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर बराबर की पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये पट्टियाँ मेरी रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे और जो मैंने मार्क किया था उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक एक पट्टी का गैप देना है। ऐसे हम सारी पट्टियां लगाते जाएंगे। अब इसे ऐसे बराबर करते जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टियां कट कर लेंगे। ये मैंने बुकरम लिया है, बुकरम की विड्थ मैंने ली है 2.5 इंच और लेंथ मैंने लिया 6.5 इंच। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसकी कटवर्क रेडी करेंगे। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसे मैंने गुलाई की शेप दी है। इसकी लेंथ मैंने ली है 0.5 इंच, विड्थ मैंने ली है 1 इंच। इसे अब ऐसे रखेंगे। पहले स्केल से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये कटवर्क इधर रखेंगे, इसके साथ साथ मार्क करेंगे। ऐसे साथ साथ मार्क करते जाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमने मार्क किया उसके बराबर कटिंग करनी है। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर ली है। अब दरमियान में इसके सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे वाला फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब हम कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई बुकरम के साथ साथ लगानी है। अब इस तरफ सिलाई लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। दरमियान में इसे लैदा करेंगे। ऐसे इसके कॉर्नर पर नोचेज लगाएंगे ताकि सीधा करने में आसानी हो। ये मैंने सीधा करके प्रेस कर लिया है। ये मैंने पट्टियाँ तैयार की थी। अब इसके ऊपर कटवर्क रखेंगे। अब इस तरफ रखेंगे।
और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम अपना पैंचा लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे अच्छे से सेट करेंगे। ऐसे आप पिंस भी लगा सकते हैं, मैं इसे गम लगा रही हूँ। ऐसे अच्छे से सेट करेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। दरमियान में इसके नीडल लगाएंगे, अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई किनारे के ऊपर लगानी है। अब नीडल इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब इस तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है, दरमियान में इसके मैंने निशान लगाया है। ये मैंने डोरी पहले से तैयार की है, इसकी लेंथ मैंने काफ़ी ली है। इसे ऐसे डबल फोल्ड किया है, इसको ऐसे रखेंगे। अब इसे सिलाई से पक्का करेंगे। एक डोरी ऐसे लेंगे और ऐसे घुमाएंगे। फिर डोरी को ऐसे घुमाएंगे, एक डोरी इधर करनी है, एक उधर करनी है, एक फिर ऐसे करेंगे। ऐसे हम सारी स्टिच करते जाएंगे। इधर से हम फिर पक्का करेंगे। अब इसे बाहर निकालेंगे। ये मैंने चकोर फैब्रिक लिया है, इसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंच, दोनों तरफ से बराबर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये डोरी को इसके अंदर रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इसे ऐसे सीधा करेंगे। हमारी डोरी लूप्स तैयार है। वीडियो मेरी बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया डिज़ाइन लेके हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।